पड़ेंगे, कुछ अपने भावनाओं को जोड़ना पड़ेगा और एकताबद्ध रूप से इस राज्य के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। शहर की आवश्यकता बड़ी है, कभी कभी शहर का चकाचौंध उसकी आवश्यकता की ओर नजर देने नहीं दे पहुंचा पाते, लोग पहुंच नहीं पाते उसकी आवश्यकता पर, हमें नजर वहां दौड़ानी पड़ेगी। मैंने कहा था हमेशा कि गली हर बड़े बिल्डिंग के नीचे एक झोपड़ी है, ध्यान वहां रखना। उस झोपड़ी में पढ़ने वाला भी झारखंडी है, उसका बेटा का भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, उस बेटी का भी भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। आइए जितेंद्र भाई, ये जवाबदेही आपकी है, आपने अपना जीवन सार्वजनिक बनाया है, ये राजनीतिक क्षितिज में आप जैसे लोगों को आकर सार्वजनिक जीवन में काम करने की जरूरत है। जहां आज भी गरीब के साथ कनेक्शन बनाने का कोई हिम्मत करता है, बनना समय के साथ लोग धन संपदा के साथ जब आगे जाते हैं तो उनका जमीन छूटते जाता है, आपने तो संसाधन के साथ जमीन को ढूंढने का काम किया है, इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आइए, इस प्रदेश में हजारों लोग आज यहां पदार्पण कर रहे हैं, कांके के भी कुछ भाई हमारे बीच में आए हैं, इनके साथ जुड़ा हुआ हर शख्स महत्वपूर्ण है, ये हमेशा यहाँ के पूजा रोजा सभी काम में लोगों के आते हैं, ये सार्वजनिक जीवन जीते हैं और इस जीने में जिसने भी इनको पुकारा जितेंद्र भाई को, जितेंद्र भाई रांची का हर गली में हाजिर हो जाते हैं, ये इनकी खूबी है और ये सेवा दिन रात लगे रहते हैं। इतना घूमना, हम लोग भी घूमते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक शख्स एक कार्यकर्ता को इतना मेहनत करते हुए नहीं देख पाते हैं, और जितेंद्र जी ने तो एक काम मेरा और कर दिया, ये बंटी और ये पूरा टीम जो मेरे बगल में आज दिख रहा है, सीना थान के खड़ा है, ये पहली बार 10-12 साल में मैंने पसीना बहाते हुए इनको देखा है, ये मैं खुले बात कर रहा हूं, ये मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो कितने सालों से, लेकिन पसीना अपने बहा के दिखा दिया इनका, इनका पसीना पहली बार चुआ है और आज गर्व से ये लोग कह रहे थे कि भैया मैदान चलिए हमारे साथ, यहीं से पैदल चलाने के विचार में, मैं पैदल चलूंगा, रांची की गलियों पर चलूंगा, मुझे शौक है इस तरह का, ये मेरा शौक है कि गरीब चेहरा को अगर हम बदल पाए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है, ये मेरा सबसे बड़ा शौक है। जिस सिल्ली की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप मॉडर्निटी के रूप में शो कर रहे हैं, वो भी 50 साल तक राजनीतिक रूप से दूषित था, उस क्षेत्र को प्रतिनिधि तो आते थे लेकिन घूम के कभी नहीं देखा, ये मेरी राजधानी है, इसी के इर्द गिर्द अपना जीवन पला है, मेरे काम है कि इस राजधानी के हर कोने पर हर वो शख्स से सीधा रूबरू होकर आने वाले समय झारखंड के इस राजनीति को, झारखंड की इस राजनीति को फिर से पटरी में लाने के लिए हमारे साथ काम करना है। मेरी ख्वाहिश के कुछ बात ही काफी है, देश दुनिया के विषयों से हम रूबरू हैं, मुझे पता है कि यहाँ के नौजवानों के लिए क्या करना है, महिला दीदी के लिए क्या करना है, राज्य कैसे आगे जाएगा, यहाँ की इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, यहाँ का हमारा भाषा संस्कृति कैसे अक्षुण्य रहेगा, हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, ये सारे विषयों से हम रूबरू हैं, हम मुझे पता है, बस आपका साथ चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका भरोसा चाहिए, कहीं आपको भरोसा बनाना पड़ेगा और यही विश्वास जीतने के लिए जितेंद्र भाई के साथ आपके इस मेले में, आप इस इतना बड़ा मेला यहाँ पर आप लोगों ने जन मेला लगाया है, इसमें सुदेश महतो आपके साथ शामिल हुआ है, आप साथ देंगे ना, सभी लोग साथ देंगे ना, पार्टी के साथ जुड़ के मेहनत करेंगे ना आप सभी। देखो भाई, मेरा दोस्त साधारण आदमी है, मेरा बड़ा मिडिल क्लास और साधारण लोग हैं, मैं उनके बीच, मैंने कहा कि मेरा शौक है, मैं हमेशा उतर के काम करता हूं और जहां ऐसे कमियां देखता हूं फिर वहां निछावर हो जाने का दिल करता है। जितेंद्र भाई का भी दिल बहुत बड़ा है और इसी सपने के आसपास वो जीते, मैं जितेंद्र भाई को इतना बड़ा समर्थन के लिए आप सभी को बधाई और आभार व्यक्त करते हैं। रेडी है ना सभी लोग, ये धूप से थके नहीं ना आप, रांची के लोग थके नहीं ना, तो खड़ा हो जाइए, सब कोई खड़ा हो जाइए। अब सब लोग खड़ा हो जाओ एक बार, सब लोग हम भी खड़ा हो जाओ, इधर सामने आ जाओ सब कोई, पहले इधर से, पहले इधर से स्टार्ट करना, सामने जाओ ना जी, साहिल इधर से स्टार्ट करना, पहले जैसे बोले पहले इधर से स्टार्ट करना। महिला दीदी लोग इस भीड़ में मेरा ना कुछ मेरे सिल्ली की दीदी भी दिख रही, देखो वो हाथ उठा रही है वहां पर, प्रणाम कर रही है, वो मेरी पहली महिला है, बंसिया गांव से है।
वो अच्छा है, परिवार के साथ यहाँ रह रही तो यहाँ भी जिंदाबाद करती है। सभी दीदियों को मैं अपनी ओर से बधाई। हाँ, पूरा शहर को आप लोगों ने आज अस्वस्थ कर दिया है, ऐसा क्यों किया आप? यहाँ क्यों किया ऐसा आप? हाँ, मेरे भाई लोग, ऐसा क्यों किया आज? जितेंद्र भाई के प्रति आपका विश्वास है ना भाई? पार्टी के प्रति विश्वास है ना आप सभी को? ये पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके सपनों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी और अपना पूरा राजनीतिक जीवन समर्पित है आपको। हमारा धैर्य है इस राज्य को संवारना है और इसमें कोई कमी ना हो ये कोशिश करेंगे। राजनीतिक द्वंद्वता रहेगी, राजनीतिक कॉम्पिटिशन रहेगा, लेकिन टिकेगा वही जिसमें दम होगा, जिसमें ताकत होगी, जिसमें दूरदृष्टि होगी, जिसमें क्षमता होगी, वही इसमें टिकेंगे। लोग आएंगे जाएंगे, हम पीढ़ियों तक इसको आगे बढ़ाने का कोई सपना नहीं है, लेकिन वर्तमान पीढ़ी को और भविष्य को सजाने का सपना लेकर हम लोग चल रहे हैं। यह तैयारी हमारा है, इस पीढ़ी को विश्वास दिलाएंगे और इस पीढ़ी को साथ में लेके चलेंगे। ये हजारों हजार की इस भीड़ को ये विश्वास दिलाने के लिए आए। जितेंद्र भाई के कुलम जो व्यवहार है, इनका आदर करते हैं, उतने ही ताकत आपने रांची के अंदर ऊर्जा दिया है। ये रांची को छोटा से बड़ा होते हुए हर लोगों ने देखा है। ये बहुत कम समय में ये हमारा मुख्यालय बना है, लेकिन ये मुख्यालय दुख्यालय ना बन जाए इसका भी ध्यान हमें रखना है। इसलिए हर मैंने कहा कि एक अदना सा परिवार के प्रति भी सजग रह के उनकी आवश्यकता को पूरा करना ही हमारा दायित्व है और हम लोग इस काम को करेंगे। ये कितना 53 वार्ड है, यहाँ पर 53 वार्ड की जवाबदेही है। जितेंद्र भाई के साथ हम ऐसा कुछ करेंगे कि 53 भाई वार्ड का कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें रात के 24 घंटा में भी कभी भी जरूरत पड़े तो कोई ना कोई आजसू पार्टी का बैनर और आजसू पार्टी का प्रतिनिधित्व आपकी सेवा में तत्पर रहेगा, ऐसा कोई विचार कर रहे हैं। समांतर विचार आपके लिए रहेगा, जो आपके लिए खड़ा होने वाला उसी को सहायता बोलते हैं, उसी को सहायक बोलते हैं। जीवन में कोई भी थोड़ा मदद कर दे तो हम लोग लगता है कि उसने मेरे जीवन को बदल के रख दिया है। जितेंद्र भाई के कई सपने हैं, हम कोशिश करेंगे उनके साथ डिस्कस करेंगे। उनकी पूरी टीम को, जो लोग आज यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत है। आइए राज्य के लिए, राज्य की ऐसी परिस्थिति हर जिले में और ये परिवेश हर जगह पर है, हर परिवेश में अपने आप को समाहित करने की तैयारी है। इस राज्य को इसके जस पर, इसके मानकों पर स्थापित करना हमारा दायित्व है। इस राज्य की क्षमता है, इस राज्य में संभावनाएं हैं। यह राज्य पूरे भारत का एक अगुआ राज्य बन सकता है। यहां वातावरण के अनुसार, यहां ईश्वर का दिया हुआ जो यहां का वातावरण है, कई लोग यहां पर आते हैं और वातावरण के बारे में कहते हैं कि जीने के लिए रांची अच्छा है, कि यहां जीवन जिया जा सकता है, ना यहां ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडा, यहां जीवन को सहज बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से ये अट्रैक्शन का सेंटर है। 30% आबादी वन क्षेत्र है, 40% पूरे भारत के खान संपदा का केंद्र है, लेकिन इस सारी चीजों को 3.5 करोड़ लोगों को कभी भी हम लोग वापस नहीं कर पा रहे हैं, उसके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। ये आज का सबसे बड़ा चुनौती है और आपका दिया हुआ हजारों का ये भरोसा ये चुनौती को स्वीकार करता है और आजसू इस मुकाम पर आपको पहुंचाएगा, जहां आप खड़ा होकर बोल सकते हैं कि आपने और मेरी पार्टी ने इस निर्माण का नेतृत्व किया है, यहाँ के लोगों के जीवन को सहज बनाया है और वो चाहे अदना सा परिवार हो उसके जीवन में परिवर्तन लाने में ये पार्टी अपनी भूमिका निभाएगा, ये हमारी तैयारी है। मैं आइए चुनावी वर्ष होगा, हम अपने दायित्व पर आएंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, असेंबली हो, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, लेकिन उससे पहले हम खुद को मजबूत करेंगे, विचारों को मजबूत करेंगे और मजबूत विचार के साथ हम लोग सब आगे जाने का काम करेंगे। मैं जितेंद्र भाई को अपनी ओर से बधाई देते हैं, मैं जितेंद्र भाई को पार्टी में स्वागत करते हैं, इनकी पूरी टीम का स्वागत करते हैं और पूरा भरोसा है कि इनके आने से रांची के आवाम लोगों के बीच में आजसू का नेतृत्व घर घर तक पहुंचेगा, ऐसा भरोसा है। इनके तार इस जिले से बाहर भी हैं, निश्चित रूप से उनका भी साथ संगठन को मिलेगा और संगठन सबके लिए समर्पित होगा।
और आप सभी हमारे साथ कदम ताल करेंगे, साथ देंगे ना, फिर से दीजिएगा ना, जितेंद्र भाई के साथ नेतृत्व करिएगा ना सब। चलो मैं नारा लगाऊंगा संगठन का, अच्छू पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अच्छू पार्टी जिंदाबाद, 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 जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पार्टी के सुप्रीमो वाले सुदेश कुमार।